हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुपेश और फिर से मैं आपके साथ लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसमें है सिस्को वेबएक्स, जो अभी वर्चुअल मीटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं दूंगा। उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, तो इसका यूज़ हम देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखते हैं सिस्को वेबएक्स किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे सर्च करना है सिस्को वेबएक्स, और जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ये सिस्को वेबएक्स मीटिंग का ऐप आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर एंड उसके बाद इंस्टॉल कर देना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जैसे ही आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आएगा, तो या इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद ही आप इसको अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, उसके बाद में आप उसको शो भी कर सकते हो या शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है, तीन डॉट दिए मीन्स तीन स्क्रीन है, तो तीनों स्क्रीन जो है आपके, इसमें सबसे पहली स्क्रीन जो है वो मीटिंग्स क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे आपको शेड्यूल मीटिंग्स भी दिखाई देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो आपके मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइन मीटिंग करने के लिए है, और उसके बाद जो है लास्ट में रिकॉर्डिंग्स एंड पास्ट मीटिंग्स जो भी आपने बनाए होंगे तो वो सभी मीटिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सीधे आप लिंक के ऊपर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मीटिंग का कोड होता है वो कोड आप यहाँ पे यूआरएल आप यहाँ पे नंबर डाल के भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली मीटिंग स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करके आपका मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे आपका ये कैमरा शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे माइक कैमरा दोनों ऑप्शन दिए, ये प्रीव्यू आपको दिखाई देगा कि आप अगर कैमरा ऑन करते हो तो आपका कैमरा यहाँ पे दिखाई देगा। माइक अगर आप चेक करना चाहते हो तो माइक भी यहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप माइक किस तरीके से ऑडियो कनेक्शन यूज़ करना चाहते हो, इंटरनेट है कि कॉल इन है, कॉल आउट है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बैक करते हैं यहाँ पे, और अगर आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करके रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप मीटिंग का नाम दे सकते हो, सिस्को मीटिंग, मैंने ये नाम दे दिया है इसको। आप मीटिंग को पासवर्ड दे सकते हो, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद ये पासवर्ड जो है वो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए लगेगा, तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। उसके बाद एंटर इनवाइटिज ईमेल, यहाँ पे आप मेल आईडी पुट कर सकते हो जिसका यूज़ करके आप इनवाइट कर सकते हो आपको जिसको जिसको यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप डेट टाइम जो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, टाइम भी असाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे सकते हो। तो अभी जो कंडीशन है सिस्को वेबएक्स की, जो फ्री वर्जन से उसको 50 मिनट्स का कंडीशन है कि 50 मिनट्स के आप मोर देन 50 मिनट्स आप असाइन नहीं कर सकते हो, आपको 50 मिनट तक का ही लिमिट दिया गया है। तो अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हो तो उसके लिए आपको पेड वर्जन ख़रीदना पड़ेगा सिस्को वेबएक्स से, उसका यूज़ करके आप वहाँ पे मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हो। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप 50 मिनट्स का शेड्यूल कर सकते हो। जैसे आपने सभी से डिटेल्स डाल दी, इसके बाद आपको क्या करना है, शेड्यूल कर देना है। शेड्यूल जैसे आपका हो जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा कि आपकी मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। जैसे ये 10 बजे का कल का मैंने शेड्यूल कर दिया यहाँ पे कि 10 जुलाई का 4:30 से 5:20 तक का आपका शेड्यूल है। जैसे आप शेड्यूल हो जाएगा यहाँ पे आपको एक सिस्को वेबेक्स का मेल भी दिखाई देगा, तो ये मेल आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपका सिस्को वेबेक्स का मीटिंग जो शेयर हुआ है। तो इसके लिए आपको एक लिंक भी दिया गया है, ये वो शेयर कर सकते हो लिंक, ताकि आप उस लिंक के द्वारा आपका मीटिंग ज्वाइन करा सकते हो। अभी ये जो मीटिंग है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन है, उसके बाद मीटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, उसका पासवर्ड दिया गया है, मीटिंग नंबर दे दिया गया है। तो इसका यूज़ करके हम शेयर पे अगर क्लिक कर दें तो शेयर पे
आप किसी को भी व्हाट्सएप, फेसबुक हो, आपका क्लासरूम हो, इंस्टाग्राम हो, जीमेल हो, या कोई भी मैसेज का जो भी जरिया होगा उस जरिए से आप उसको सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज़ करके उसको सेंड कर सकते हो, ताकि आपका जो भी मीटिंग आपके यूज़र्स होंगे वो ज्वाइन कर सके उस लिंक के साथ। तो उनको लिंक सेंड हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मीटिंग डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑपरेशन भी है, जो क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो मीटिंग। तो जैसे मैंने ये मीटिंग डिलीट कर दी। तो ये है सिंपल यूज़ आपका सिस्को वेबेक्स का, जिसका यूज़ करके आप आपके मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि ज्वाइन करने के लिए आपको मीटिंग आईडी लगेगा, तो वो मीटिंग आईडी यहाँ पे दे सकते हो और ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स सिस्को वेबेक्स आपको स्क्रीन शेयरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स, तो ये भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।